press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस को जिताने के लिए मैराथन चुनावी दौरे कर रहे हैं। शनिवार को वे उदयपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहां से कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर मीणा के समर्थन में रैली में उन्होंने कहा कि मोदी कितना ही झूठ बोले, कितना ही कांग्रेस को कोस ले, लेकिन फिर भी नेहरू और इंदिरा का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पीएम मोदी अलग ही तरह की राजनीति का खेल खेल रहे हैं। राष्ट्रभक्ति के लिए हमें मोदी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सेना ने एयर स्ट्राइक किया, लेकिन मोदी बोलते हैं कि मैंने किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी मतदाताओं को बताया। उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र किया। कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा भी अपने समर्थकों के साथ सभा में उपस्थित थे। जनसभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक मौजूद रहे। उसको लेकर लगातार मैं बोलते रहता हूँ, क्योंकि मोदी जी के सारे वादे झूठे साबित हुए। जो पिछले चुनाव में जो माहौल बनाया था, वो तमाम वादे किए गए थे जो मोदी जी द्वारा, चाहे ब्लैक मनी लाने की बात हो, चाहे लोकपाल के नाम पे मोदी जी चुनाव जीत के आए थे और 5 साल तक लोकपाल बनाया नहीं उन्होंने, महंगाई कम कर नहीं पाए, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई थी, तेल की तब भी भाव बढ़ते गए, महंगाई कम हुई नहीं, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, 15 लाख रुपये खाते में आए नहीं, और जो बाकी जो इन्होंने आतंकवाद के नाम पर एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाएंगे ऐसी बातें क्या करते थे। पर आतंकवाद इनके ज़माने में बढ़ा है, ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं, ये आंकड़े तो खुद सरकारी आंकड़े हैं। तो ये जो लापरवाही से हुआ है पुलवामा, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग हिंदू नहीं है क्या? तो आप कब तक राम मंदिर को भी खाली चुनाव के वक्त में याद करते हो? पहले गौ माता को याद करते थे, उसको भूल गए। तो कब तक आप धर्म के नाम पर या हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके नाम पे आप राजनीति करोगे? जो हमारी आर्म फोर्सेज है, चाहे नेवी हो, चाहे वो BHF हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उस पर हम सबको गर्व रहता है। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो पूरा देश स्वागत करता है, कभी आलोचना नहीं करता। पर ये उसको भी तोड़ मोड़ के पेश करते हैं जनता के सामने। कहने का मतलब ये है, बजाय इसके लोकतंत्र में मुद्दा आधारित आप मैदान में उतरो कि हमारी विचारधारा, हमारी नीति, हमारे कार्यक्रम ये जनता के लिए है, हमने ये वादे किए थे, ये हम लोग निभा पाए, ये नहीं निभा पाए हमारी मजबूरी थी, कोई बात नहीं बताओ, और इसी ढंग से आगे हमारी क्या प्रोमिसेस हैं। उसकी बजाय ये पूरे चुनाव को जो है, जो मोदी जी के प्रकृति में है, गुजरात में भी गुजरात मॉडल करते करते, वो मॉडल था ही नहीं, वो खाली मार्केटिंग थी उनकी, और वो पूरी पोल खुल चुकी है। कभी 7.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, 10% इन्वेस्टमेंट भी नहीं आते थे। जैसे राजस्थान, वसुंधरा जी ने धोखा दिया राजस्थान वासियों को, राजस्थान रिसर्जेंट के नाम पर 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आएंगे, आया इन्वेस्टमेंट, करोड़ रुपये खर्च कर दिए उन्होंने। और उस वक्त मैंने कहा था कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जरूर आए हैं, ये इनका स्नेह मिलन था, आपस में मिलने का मिलन था, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, और वही हुआ। कहने का मतलब ये BJP के नेता लोग, उनकी कथनी में करने में अंतर है, इसलिए इन्होंने मॉडल बना बना कर गुजरात को पेश किया, प्रधानमंत्री बन गए, माहौल ऐसा बनाया जैसे पता नहीं मोदी जी क्या कर डालेंगे। अब आज पूरा देश इनके खिलाफ है, एक वर्ग है जो गलत समय में साथ में है। जैसे जैसे गलत समय दूर होगी उनकी, जिसमें हमारे सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी है, इन्होंने सोशल मीडिया को विज्ञापनों में लगा करके, करोड़ अरबों रुपये खर्च करके, टीमें बना करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं,
और नई पीढ़ी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, उनको असलियत समझने की जरूरत है। सत्य का कोई विकल्प नहीं होता है, और सत्य जो है इनके पक्ष में नहीं, हमारे पक्ष में है, असत्य इनके पक्ष में है। तो उनको भी गुमराह नहीं होना चाहिए, जो मीडिया में जो जिस प्रकार से इनकी टीमें अटैक करती है वो प्रायोजित है, वो प्रायोजित है। और पिछले चुनाव में उन्होंने उसका उपयोग किया था, वो कौन आया था, कुमार भाग्यवाद प्रशांत कुमार आए थे, पीके वो पीके वहाँ शिफ्ट हो गया बिहार में, बिहार से हो गया फिर पता नहीं हम कहाँ हैं। कहने का मतलब कि ये जो है ये मार्केटिंग सीख गए हैं मोदी जी, मार्केटिंग सीख गए हैं पीके से, उस मार्केटिंग को लेके ये उस वक्त भी चले थे, अब भी चल रहे हैं। पर देश को गुमराह नहीं होना चाहिए, इसलिए मीडिया के बारे में हमारी जो शिकायत रहती है, मीडिया दबाव के अंदर है, ये सच्चाई दिखाना चाहता है। मीडिया का हमेशा ये चौथा स्तंभ जो है उसका कर्तव्य है वो सच्चाई दिखाए देश को, सामाजिक सरोकार रखे, देश हित में वो आलोचना करने में चुके नहीं जाए, कोई पार्टी हो कोई नेता हो, ये चौथा स्तंभ का धर्म है, फर्ज है। पर मालिक भी एंकर भी इतने दबाव में है मोदी जी के, क्योंकि इतनी संस्थाओं को दुरुपयोग किया है। जो व्यक्ति CBI के हेडक्वार्टर पर पुलिस का छापा डलवा सकता है, आप सोच सकते हो देश किस दिशा में जा रहा है। तो CBI से डर, इनकम टैक्स से डर और ED से डर, इस प्रकार से आज मीडिया दबाव में है। एक तरफा मोदी जी की पब्लिसिटी हो रही है, साधनों की उसके बाद कमी नहीं है मोदी जी और अमित शाह जी के पास में। नोटबंदी के बाद में तो पता नहीं, ये तो राज खुलेगा जब सरकार आएगी UPA की, हम लोग जांच करवाएंगे नोटबंदी का कितना लाभ मिला, कितना घाटा हुआ देश को, कितना करप्शन हुआ। उन्होंने कहा था ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। 2 साल क्यों लगे RBI को फिगर बताने में कितना पैसा जमा हुआ, 2 साल, जबकि बैंकों के कायदे आप भी जानते हम भी जानते हैं, शाम तक हिसाब आना पाएगा होता है, और अब तो कंप्यूटर आ गए हैं, जब कंप्यूटर नहीं था तब भी आना पाएगा हिसाब होता था शाम तक, अब कंप्यूटर में तो शाम तक पूरी रिपोर्ट देश भर की जा सकती है। 2 साल पार्लियामेंट को नहीं बता पाए, और सब जगह जो जिस प्रकार से ये धनबल का प्रयोग करते हैं चुनाव के अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकते। जब हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े करने वाले आंकड़े आते हैं, कैसे ये लोग क्या क्या करते हैं, पैसे का दुरुपयोग, कैसे गुमराह करते लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि देश में आज लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये जो कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं हम लोग। जब कंट्री की तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं एक स्वर बोल रही है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में संविधान खतरे में है और देश खतरे में है, उसके अपने मायने हैं। आज 220 साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, पत्रकारों ने, साहित्यकारों ने जो अपील करी है देश से, वो क्यों करी है? साइंटिस्टों का भी श्रेय खुद लेना चाहते हैं मोदी जी। इसरो की स्थापना तो इंदिरा गांधी ने करी थी 35 साल पहले, उसकी उपलब्धियाँ हैं तो है, उसकी उपलब्धि है, आप गर्व महसूस कर सकते हो, पूरा देश गर्व महसूस करेगा, प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हो, ऐसा पूर्व करते जैसे कि आज मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, आज हमने मिसाइल छोड़ के उड़ा दिया, उपग्रह उड़ा दिया, आज हमने उपग्रह छोड़ दिया, तो भाई आपने क्या कर दिया? क्या प्रधानमंत्री बनते 3 महीने में उपग्रह छोड़े गए, वो उपलब्धियाँ मोदी जी की थी? तो देश को ऐसा दिखाया गया जैसे कि सरकार बनते देखिए क्या क्या होने लगता है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये जान हथेली पे रख करके देश की रक्षा कर रहे हैं। इंदिरा जी के वक्त में भी कितने लोग मारे गए होंगे उस वक्त युद्ध के अंदर, 90,000 सैनिकों को, जो कर्नल जनरल थे, कल रात को मैंने कहा था, सबको सरेंडर करवा दिया हथियारों के साथ। ऐसी घटना कभी दुनिया के इतिहास हुई? अमेरिका फंसा रहा वियतनाम के अंदर 15 साल तक, वो कुछ नहीं कर पाया, मुंह की खानी पड़ी। और इंदिरा गांधी वो नेता थी जिसने धज्जियाँ उड़ा दी, आप बताओ
एक शब्द बोला मोदी जी ने उनकी तारीफ के अंदर, इंदिरा गांधी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब आलोचना भी करो पर कहीं तो कहो भी हमारे मुल्क के लोगों ने 70 साल में कोई कमी नहीं रखी, हमारे मुल्क आज यहाँ पहुँचा है तो सबकी बदौलत पहुँचा है। आज मैं जाता हूँ दुनिया के मुल्कों में तो मेरा मान सम्मान इसलिए होता है, हिंदुस्तान की ताकत पूरा दुनिया ने लोहा मान लिया है। खालिस्तान नहीं बनने दिया हमने, इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी। अगर ये मोदी जी बोलते तो स्टेटमैनशिप कहलाती उनकी, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है जो कि इस पर बहुमत जनता ने दिया है, वो सही फैसला किया। आज वो फैसला जनता का गलत साबित हो गया, जनता खुद महसूस करती है। देश का किसान दुखी है, देश का नौजवान दुखी है, आक्रोश के अंदर है, नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और पता नहीं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया बोलते थे वो सब आप बता दीजिए। 200 स्मार्ट सिटी, एक भी स्मार्ट सिटी बने देश के अंदर? एक एक गांव गोद लो प्रतिवर्ष मेंबर पार्लियामेंट, एक भी गांव का कायाकल्प हुआ? हजार बातें ऐसी होगी जो बोले तो कम पड़ेगी। रोज बोलते हैं जिस प्रकार से घृणा नफरत हिंसा ये माहौल बन गया। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये कांग्रेस मुक्त भारत क्या बनाओगे? 130 साल पुरानी पार्टी है, गांव गांव में छाई हुई है, 44 मेंबर थे हमारे सिर्फ पार्लियामेंट में, फिर भी जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में जो वहाँ पर विपरीत भूमिका अदा की गई है देश के अंदर, वो काबिल तारीफ है। कम संख्या के बावजूद भी क्यों की गई? क्योंकि राहुल गांधी के पीछे पूरे देश की कांग्रेस पार्टी खड़ी है, नेशनल पार्टी, इतनी भूमिका अदा की गई। और राहुल गांधी अकेले ने मुकाबला किया रफाल को लेकर के नरेंद्र मोदी का, उनके करप्शन का, उनके मिसडीड का, उनके जुमलों का, झूठे वादों का, अकेले ने मुकाबला किया। इस पर हमें इस बात को गर्व है कि राहुल गांधी नौजवान नेता ने जिस रूप में, और जब कहा कि मुझे तो मैं नहीं चाहता घृणा की राजनीति हो, मैं चाहता हूँ प्यार से भाईचारे राजनीति करो, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और वो पार्लियामेंट में हिम्मत किया, वो साहस था उनका कि पार्लियामेंट के अंदर मैंने भी 5 बार मैं MP रहा हूँ, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि आप जाकर के नेता प्रतिपक्ष नेता राष्ट्रीय पार्टी के नेता जाकर के प्रधानमंत्री जी के गले मिलने का साहस करें। अगर दिल में सच्चाई नहीं हो, दिल साफ नहीं हो तो ये हिम्मत कोई कर नहीं सकता। उनका दिल साफ था इसलिए वो उन्होंने साहस किया, मैं उसको साहस कहूँगा, साहस किया कि भाई ये गुस्सा क्यों करते हैं, गुस्से में राजनीति क्यों करते हैं, गुस्से में क्यों बोलते हैं। लड़ी है तो हमारी नीतियों की, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, माँ बेटी की ये पार्टी, अरे आपको क्या मतलब है? 70 साल में वोट तो गुप्त मतदान से होते हैं, फिर चुनाव जीत के क्यों 70 साल लगाती रही कांग्रेस? और क्यों कांग्रेस पार्टी का रैंक एंड फाइल हर जाति धर्म और वर्ग का क्षेत्र का इन पर विश्वास करता भी, हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये तो क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, सोनिया गांधी जी तो विदेशी कहलाती थी, तभी आज सबसे ज्यादा सम्मान मान सम्मान उनका देशवासी क्यों करते हैं? कुछ तो कुबूत होगी। इसलिए आज सोनिया गांधी जी का भी जब पहले आलोचना करते थे वो सब आलोचना बंद हो गई। तो कहने का मतलब इनको अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए और दो दो राज कभी नहीं कर सकते देश के अंदर। 5 साल में उन्होंने मोदी जी अमित शाह जी PMO के जम के दुरुपयोग किया गया, टारगेट बना गया किन किन के छापे डालने हैं। वीरभद्र सिंह जी उन्हें छोड़ा गया, घर में शादी हो रही है और आप छापा डाल रहे हो, अरे भी 2 दिन बाद डाल देते। ये जो घटनाएं हुई है देश के अंदर। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।